आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 सितंबर को पीलीभीत के नांदगांव स्थित कंपोजिट विद्यालय परिसर में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। आजाद नेशन न्यूज ने इस खबर को दिखाया था, वहीं इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर के चलने के बाद पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने ईट गांव चौकी इंचार्ज रविंद्र वालियान को सस्पेंड कर दिया है। सूबे में लगातार गौकशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, मगर फिर भी गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले गौकश बाज नहीं आ रहे हैं। ये पूरा मामला बिलसंडा थाना क्षेत्र के नांदगांव स्थित कंपोजिट विद्यालय का है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पीलीभीत संवाददाता दानिश सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़े हैं। यहाँ पर गौकशी की घटना पीलीभीत में हुई है, क्या मामला था, किस तरीके से गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था? मामला जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा इलाके में पड़ने वाली ईटगांव पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव नांद सरकारी कंपोजिट विद्यालय का है। विद्यालय की इंचार्ज शिक्षिका संध्या गंगवार की माने तो उनका कहना है, जब वह 3 सितंबर की सुबह विद्यालय पहुंची तो विद्यालय परिसर में अंदर हैंड वॉश यूनिट के पास एक गौवंशीय पशु मृत अवस्था में पड़ा था और वहां पर खून भी पड़ा था। वहीं शिक्षिका की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि गौवंशीय पशु के कुछ अवशेष गायब थे और अंग इधर उधर पड़े थे। शिक्षिका ने पूरे मामले की सूचना ईटगांव चौकी इंचार्ज रविंद्र वालियान को दी, जिस पर एसओ बिलसंडा रणजीत सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सीओ बीसलपुर डॉक्टर प्रतीक दहिया ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं स्कूल में गौकशी होने के मामले में पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने ईटगांव चौकी इंचार्ज रविंद्र बालियान को सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है, वो आबादी से कितनी दूर है? क्या आबादी वहीं पे थी? किस तरीके से इतने बेखौफ जो गौकश हैं उनने घटना को अंजाम दिया? कितना दूर विद्यालय है वहाँ से? विद्यालय मेन विद्यालय के सामने हाईवे है, हाईवे के साइड से माने कि जो स्कूल की दीवार थी वो तीनों साइड से टूटी हुई थी। जी दानिश, लगातार गौकशी की घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, जबकि सरकार इस पे बहुत सख्त है, सख्त कानून भी बनाया है। कई गौकशों के घरों पर बुलडोजर भी चला है, इसके बाद भी गौकश इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसमें ये कहना चाहूंगा, हालांकि पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी है, पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने चौकी इंचार्ज रविंद्र बालियान को सस्पेंड कर दिया है। वहीं थाना बिलझंडा पुलिस गौकशी करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। जी धन्यवाद दानिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।